देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार पर कसा तंज। जेडीयू नेता के 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, छापेमारी से सभी अधिकारियों में मचा हड़कंप। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया एक दिवसीय धरना, बीजेपी सरकार पर बोला जमकर हमला। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डेंगू मरीजों के लिए बनाया गया 10 बेड का वार्ड। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों कुख्यात राजा ठाकुर की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया था। मामले में कुख्यात की मां के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी दौरान राजा ठाकुर हत्याकांड मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस अधिकारियों की पहचान कर धरपकड़ में जुट गई है। पुलिस को जो इंसिडेंट हुआ था, जो हत्या हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पीट पीट करके लाठी डंडों से हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक सीसीटीवी मिला है। सीसीटीवी में एक आधार पर और जो नामजद लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया, और बाद में जब फैमिली मेंबर से और उस अरेस्ट किए गए आदमी से जब पूछताछ की गई और पहचान कराई गई तो इसमें से सभी लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस उनके अरेस्टिंग के लिए आगे काम कर रही है। थैंक यू। खबर नवादा से है, जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और डॉक्टर प्रभाकर कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया गया, जिसकी देखरेख में डेंगू के फैलाव पर नजर रखी जा रही है। और सिविल सर्जन डॉक्टर निर्मला कुमारी ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है और डेंगू जाँच के लिए पर्याप्त मात्रा में सदर अस्पताल की किट भी उपलब्ध है। वहीं डेंगू मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का वार्ड भी बनाया गया है। व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से है, डॉक्टर भी हैं, दवा भी है, किट्स भी है, सफिशियंट अमाउंट में किट्स है, और उसके लिए वार्ड भी हम लोग बना दिए हैं। अलग से एक डॉक्टर नोडल, डॉक्टर प्रभाकर को नोडल अफसर बना दिए हैं और अच्छी तरह से डेंगू के मरीजों का देख रेख हो रहा है, जाँच हो रहा है। अभी 4 पेशेंट हमारे एडमिट हैं सदर में और अच्छी तरह से उसका देखभाल। नवादा के कलेक्ट्रेट में बने रैन बसेरा में भाजपा के खिलाफ जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कौशल यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना पर बैठे, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी दौरान आरक्षण विरोध को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हो गई, नॉमिनेशन हो गया, अनेक लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2006 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण देना नहीं चाहते थे पंचायती राज नगर परिषद। ये साफ समझ में आ गया जब ये नगर जनता से ही भारतीय जनता पार्टी जदयू से अलग हुआ और ये चेहरा दिखा दिया गया। पीछे के दौर में ये लोग चल रहे हैं, बिना आरक्षण का वो समाज वंचित है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है कि उसकी मूल धारा में जोड़ना है। नीतीश जी दलित और अति पिछड़ा के लिए बिहार में जो काम किया है 17 साल में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं किया।
खबर पटना से है, जहां बिल्डर और जेडीयू नेता की 31 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी के बाद सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें, जेडीयू के नेताओं के साथ उनके बेहद करीबी रिश्ते हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर वह बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। खबर पटना से है, जहां बीजेपी विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नायक नहीं खलनायक हैं और बीजेपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। बता दें, इस दौरान सम्राट चौधरी ने गुजरात में हुए नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तंज कसा। वहीं जिले में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर संजय जायसवाल ने बयान दिया और कहा, डेंगू के प्रकोप से मरीजों का बुरा हाल है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अनदेखी कर रहे हैं। सम्मेलन में हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, सिद्धार्थ शंभू जी पार्टी के, मेरा स्पष्ट मानना है, जो पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में नायक नहीं खलनायक बनकर आए हैं अति पिछड़े के, और अति पिछड़े का सम्मान यदि सबसे ज्यादा गिराने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने। मोतिहारी के चकिया में जन नायक करपुरी के अरमानों की रक्षा करने के लिए अति पिछड़ा के आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा ने चकिया अनुमंडल कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। अति पिछड़ा वर्ग ने सरकार को चेतावनी दी है, कहा, आरक्षण हम पिछड़ों का अधिकार है, हम इसे समाप्त नहीं होने देंगे। बताते चले कि चकिया रेलवे स्टेशन समीप स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में जन नायक करपुरी के अरमानों की रक्षा के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अति पिछड़ा समाज के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। चुनाव में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, इसके विरोध में जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा। फिर अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग की बात अगर सरकार नहीं मानती है और उसी विधानसभा से या लोकसभा से इसके हम लोग का आरक्षण बहाल नहीं करती है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन पुनः देंगे और रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे और रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। आरक्षण के लिए हम लोग जिस स्तर पर जाना होगा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वह काम करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां शहर के हवाई अड्डा चौक पर विधायक प्रमोद कुमार ने केडी हॉस्पिटल का फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर एवं डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि हमारे यहां मरीजों के लिए 20 किलोमीटर तक फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। आज केडी हॉस्पिटल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इसकी तरक्की उन्नति की शुभकामना करता हूं और यह जानकर अपार खुशी हुई है कि ये 50% डिस्काउंट पर गरीबों का सेवा करेंगे और 20 किलोमीटर रेडियस में जो भी मरीज होगा उसको एम्बुलेंस पर लेकर आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। आज केडी हॉस्पिटल का उद्घाटन मैं एक बहुत सोची समझी, ठीक है, और वर्षों से देखते हुए, ठीक है, मेडिकल फील्ड में गरीब और लाचार मरीजों को जो असुविधाएं होती थी उसको पूरा करने के लिए मैं आज केडी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। दरअसल घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दरभंगा रोड NH57 पटियासा की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पटियासा चौक के पास दो युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। एक का नाम नजरी आलम है और दूसरे का नाम अमित कुमार है। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
आगे कार्रवाई के लिए। खबर नालंदा से है, जहां जिला मुख्यालय हॉस्पिटल मोड़ पर भाजपा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने पोल खोलकर जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान धरना प्रदर्शन में बिहार सरकार के मंत्री और विधानसभा के विधायक के साथ जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 में ही अति पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। स्वागत है उनका, आते रहे। अस्पताल मोड़ के पास उनके आने से बिहार के नागरिक, बिहार को कुछ लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में तनाव, लोगों के बीच में तनाव जरूर पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 2006 में ही अति पिछड़ा को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, सबको आरक्षण देकर के दो दो बार, तीन तीन बार चुनाव हो गया। इस बार फिर चुनाव हो रहा था, चुनाव के समय बीच में ही स्पेशल कोर्ट बैठा कर छुट्टी के दिन एक बार बोला जा रहा है, हाई कोर्ट का बयान आता है कि चुनाव बंद हो गया। तो नीतीश कुमार जी को बदनाम करने का यह प्रयास किया गया और अति पिछड़ा का जो आरक्षण मिल रहा है उसको रोकने का प्रयास किया गया। खबर नालंदा से है, जहां नाच गाने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर पासवान और यादव समाज के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट और गोली चल गई। आपको बता दें कि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया और जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस जाँच में जुट गई है। कोई पासवान जी ने गरियाया कि किसी को रोजी नहीं था? किसको गरियाया? नाम लेकर के किसी को नहीं गरियाया, बोला कि किसी को रोजी नहीं कहे, कोई गुब्बारा कर नहीं दिया 2-4 हज़ार रुपया, तो ऐसे यादव समाज के राइफल लेकर के आओ, गोली या राइफल चलाना, अभेला चलाना स्टार्ट कर। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा कॉलेज में बीएड के 46 सीटों पर स्पॉट नामांकन में धांधली का आरोप लगा और दूसरे दिन भी छात्रों ने नालंदा कॉलेज में ताला जड़कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्पॉट एडमिशन में प्राचार्य ने धांधली की गई है। वहीं हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने में जुटी। चीज का स्पोर्ट एडमिशन हो रहा है, जैसे बीए का हो स्पोर्ट एडमिशन या फिर इंटर का स्पोर्ट एडमिशन हो, उसमें लिस्ट निकाला जाता है, उसमें नंबर, पहला नंबर शो नहीं किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा गलती है कि नंबर शो करिए किसका कितना परसेंटेज है और किसका कितना परसेंटेज कम है। इसमें है कि 45% वाला लिया जा रहा है, 60% वालों को छाट दिया जा रहा है। कल बीएड के तरफ से स्पोर्ट रंग में नालंदा कॉलेज में जो स्पोर्ट का लिस्ट जारी किया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली किया गया है। टोटल खाली सीटों की संख्या 46 थी, जिसमें 46 का लिस्ट में नाम दिया गया है, लेकिन 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे पैसा लेके जैसे पैरवी से उनका नाम दिया गया है। बजाबते मेरे पास प्रूफ है, कॉलेज क्या क्या कहता है, हर एक जगह कॉलेज है जो कि बोला जाता है कि नंबर के साथ जारी कर, लेकिन कॉलेज नालंदा कॉलेज क्या किया, नेम, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर के साथ दे दिया, अपने हाथ से लिखे हैं। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो भी एडमिशन लिया गया है विश्वविद्यालय के गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है और जो भी एडमिशन लेने की प्रक्रिया है ये विश्वविद्यालय की पर पूरी नज़र है और पूरा लिस्ट जो हम लोगों ने निकाला है वो यूनिवर्सिटी को कल 12 बजे दिन में ही मेल किया जा चुका है। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।